कैसे दुकान वाले इन स्टिकर के जरिए हमें बेवकूफ बनाते हैं और कैसे आलस करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और क्यों केन्या की गवर्नमेंट इन 60 लाख चिड़ियाओं को मार रही है और क्या आप भी अपने फोन से दूर नहीं रह सकते तो आप बीमार है। ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 8, वैसे हम देवी देवता और भगवान के बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी कुत्तों के त्योहार के बारे में सुना है? नेपाल में हर साल कुकुर तिहार नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें कुत्तों को उनकी वफादारी के लिए देवदूत मानकर सम्मानित किया जाता है। इस त्योहार में पूरे नेपाल के लोग कुत्तों की पूजा करता है, कुत्तों को तिलक करके उन्हें माला पहनाई जाती है और साथ ही उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, हम सब जानते हैं कि आलस करना बुरी बात है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट की माने तो हफ्ते में एक दिन आलस करना हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। आलस मतलब रूटीन काम छोड़कर एक दिन सिर्फ चिल करना और वो काम करना जो आपको पसंद हो। वीक में एक दिन ऐसा बिताने से आपके माइंड को आराम मिलता है और आपके बॉडी को हेल्दी होने का मौका मिलता है, तो हफ्ते में एक दिन तो ऐसा जरूर होना चाहिए जब हम चिल कर सके। फैक्ट नंबर 6, एग्जाम में स्टूडेंट्स का चीटिंग करना आम बात है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में स्टूडेंट चीटिंग करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि चाइना में चीटिंग करना क्राइम माना जाता है, फिर चाहे वो एग्जाम में ही क्यों ना हो, और इसके लिए स्टूडेंट को जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी अपने फोन से दूर नहीं रह सकते तो आपको नोमोफोबिया नाम की बीमारी हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को अपने फोन से अलग होने का डर हमेशा सताता रहता है। इंसान को फोन के ना होने से या उसे यूज ना करने के ख्याल से ही बेचैनी या डर लगने लगता है। नोमोफोबिया का मतलब ही होता है नो मोबाइल फोबिया। सिंपल भाषा में मोबाइल की लत को नोमोफोबिया कहता है। तो अगर आपको भी मोबाइल की लत लग गई है तो उसे यूज करना कम करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, ओरेगन में रहने वाले ब्रूस कैंपबेल नाम के बंदे ने 1999 में $1,00,000 खर्च किए, वो भी एक कबाड़ प्लेन खरीदने के लिए, ताकि वो इस प्लेन को अपना घर बना सके। दरअसल ब्रूस का बचपन से प्लेन में रहने का सपना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने ये प्लेन खरीदा और उसे अपने घर में कन्वर्ट कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि सपनों के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, केन्या में रेड बिल वेलिया नाम का पक्षी पाया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली पक्षी प्रजाति है। ये पक्षी हमेशा झुंड में उड़ता है और इनके झुंड की संख्या 3 करोड़ तक हो सकती है। ये नन्ही चिड़िया खेतों में उगने वाली फसलें खाती है, जिसकी वजह से ये जहाँ भी जाती है वहाँ के खेतों को सफा चट कर जाती है, जिससे केन्या के ऊपर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। और इसी वजह से केन्या की गवर्नमेंट ने 60 लाख वेलिया को मारने का फैसला किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, फ्रूट खरीदते समय आपने उन पर लगे ये स्टिकर जरूर देखे होंगे। इन स्टिकर को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये स्टिकर फ्रूट को सिर्फ प्रीमियम लुक देने और उन्हें महंगा बेचने के लिए लगाए जाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूट के ऊपर लगे स्टिकर पर एक कोड लिखा हुआ होता है, जिसे PLU कोड मतलब प्राइस लुकअप कोड कहा जाता है, और इससे आप फ्रूट की क्वालिटी का पता कर सकते हैं। PLU कोड 3 टाइप के होता है। सबसे पहला 5 डिजिट का नंबर, जो कि 9 से शुरू हो रहा हो तो वो फ्रूट बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से पकाया गया है, जिसे खाने से हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा 5 डिजिट का नंबर, जो कि 8 से शुरू होता हो, वो फ्रूट ऑर्गेनिक तरीके से पका है, लेकिन उसमें कुछ अनुवांशिक बदलाव किए गए हैं। ये फ्रूट भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और लास्ट में 4 डिजिट का नंबर, जो कि 3 या 4 से शुरू हो रहा हो, वो फ्रूट फर्टिलाइजर और कीटनाशक का इस्तेमाल करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उगाया गया है, जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। बहुत से दुकानदार फ्रूट को प्रीमियम दिखाने के लिए उनके ऊपर कोई भी स्टिकर लगा देते हैं, जिसे देखकर हम समझते हैं कि वो फ्रूट अच्छा है और हेल्दी है, और ऐसे दुकानदार हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो आगे से जब भी आप फ्रूट खरीदे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोगों को नूडल्स खाना पसंद होगा, जो कि एक चाइनीज डिश है, लेकिन क्या आप जानते हैं नूडल्स की गिनती दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड में की जाती है, क्योंकि दुनिया में नूडल्स हजारों सालों से खाया जा रहा है,
जिसका सबूत है चाइना में मिला ये 4000 साल पुराना नूडल्स का बाउल। ये नूडल्स 4000 साल पुराना है, मतलब 4000 सालों से या उससे भी पहले से लोग नूडल्स खाते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सके, जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।